वालेकुम, एनएच न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज यानी कि आज यहाँ पे चौगाम बुला जो कुपवाड़ा में इलाका एक पड़ता है, सुगाम वादी गुलाब का एक इलाका है, वहाँ पर आज ब्लॉक दिवस मनाया गया है और एसडीएम ऑफिस सुगाम में एक तकरीब मुनाकद की गई है एसडीएम साहब सुगाम जो एजाज साहब है उसके द्वारा। तो यहाँ पर आज डीसी कुपवाड़ा श्री इमामुद्दीन साहब आज खुद आए हैं, उनके हमरा एसएसपी कुपवाड़ा और बाकी दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग और यहाँ के कंसर्न सरपंच और डीडीसी मेंबर भी मौजूद था। यहाँ पर बहुत सारे मसलों को उभारा गया, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क और दीगर मसले उठाए गए हैं और डीसी साहब ने उनको अफसरों को हिदायत दी और सामने कहा कि ये जल्द अज जल्द इनके जो मसले हैं बिल्फौर हल किया जाए ताकि आवाम की जो मसले और मुश्किलात हैं उनका अजाला हो जाए। इसलिए इस तरह से हमने पहले भी एक एनएच न्यूज़ के द्वारा एक न्यूज़ की थी जो पिछले दिनों हालिया बारिश का सिलसिला जो हुआ था उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ और रोडों का पुल खिसक गए, सड़कें खिसक गई, तो उस वजह से डीसी साहब ने कंसर्न अफसरों को भी हिदायत दी है कि उन सड़कों का भी आज खुद वो जायजा लें और ताकि लोगों के मसले जो हैं वो हल किए जाएँ। और साथ साथ डीसी साहब ने ये भी कहा है, अफसरों को भी हिदायत दी और पुलिस को भी हिदायत दी है कि जहाँ जहाँ कहीं भी इंक्रोचमेंट हुई है, जैसे ड्रेनें बंद हो चुके हैं या फ्लड चैनल्स बंद हो चुके हैं या कहीं सड़क पर कहीं कूड़ा करकट या बाजरे वगैरह डाले हैं और उसको फौरी तौर हटाया जाए। मैं एनएच न्यूज़ के लिए इरशाद वानी। वो बहुत बड़ा नाला है, उसमें काम भी लग चुका था पहले और उसमें तकरीबन लाखों रुपये खर्च हुआ था। उस माचर नाले की सही से काम नहीं हुआ उस टाइम, यहाँ पे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे रूरल डेवलपमेंट के, उसके जरिए से वो काम हुआ, लेकिन उसको क्या किया है कि उसको रूरल डेवलपमेंट जो नरेगा के तहत उसको ठेके मिलेगा इलीगली तरीके से और उसके बाद उसमें इंक्वायरी बिठाई गई, पता नहीं उसका क्या हुआ। तो उसमें विजिलेंस की टीम भी आ चुकी थी एक बारी, तो अब वो जू का तू रहा, लेकिन जो नाले की सफाई और खुदाई वो सही तरीके से नहीं हुई। तीसरा जो मेरा अहम मुद्दा है सर, आप देख भी सकते हो एनएच न्यूज में आया था, दो चार जर्नलों में आया था, अगर आप कुछ गौर से देखेंगे सर आपकी नोट्स में भी मैं नाम आ जाता था। तो उस वजह से जो हमारे स्कूली बच्चे हैं छोटे छोटे वो रो रो के मैंने उनको खोद में उठा के पार करवाया और बिल्कुल हर साल यही होता रहा है। सर अगर आप आज आ रहे हैं यहाँ पे सर, आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने नासिर साहब को भी कहा, नासिर साहब ने भी ये कुछ चंद बातें मैं उनको भी ऐड करना चाहूंगा। तो आप जा रहे हैं अभी पुल की ओर, अगर आप वहां पे भी देख सकते हो तो उधर से ही आपका गुड्डू मच्छर एक इलाका है, तो अगर उसको दो साइड से बंद लगे और दो तीसरा जो हमारा है मेन मुद्दा तो उस नाले को खुदाई हो। चौथा हमारा वहां एक जो नासिर साहब ने कहा कि वाटर सप्लाई की बहुत ज्यादा मार है और क्राइसिस है, तो हमारा एसआर बन चुका है, उसमें टेंडरिंग भी हुई थी बाजाबता और पता नहीं आज तक उस पर काम क्यों नहीं लगा। छह साल तक वो झूका तो रहा है, पैसे भी उसके निकाले गए हैं लेकिन काम उस पर सही से नहीं हुआ। इस बार पाइपलाइन हुई है लेकिन जो एसआर है उसको कंप्लीट नहीं किया गया है सर। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे सर है ये कि आप इंशाल्लाह ये चीजें जल्दी उठाओगे। और तीसरा हमारा चौथा लास्ट जो है ये फार फ्लंग एरिया है और सरद इलाका है, यहाँ हमेशा बर्फ रहती है और जम जाती है, उसकी वजह से हमारे रोड्स खराब हो जाते हैं जिसका हमारा मैगडम भी खराब हो जाता है। आप अगर देखेंगे कि लोलाब की जो रोडों की हालत है, इनर रिंग की स्थिति में बात करूंगा और जनरल रोड जो है जैसे टिकी वो बराबर नहीं देते सर, रिटेल बनाई है सर, 12 बजे आते हैं ड्यूटी को और बुधवार को 12 बजे भाग जाते हैं सर, 3 दिन ये बराबर नहीं देते सर, इनका ये बन गया एक बुरा आदत सर 3 सालों से सर, ये 3 दिन नहीं देते बराबर सर, और ये प्रैक्टिस करते हैं बाहर सर, ये मैंने आपको फोटो भी भेजा था, ये बाहर प्रैक्टिस में भर करते 48 घंटे पूरे ड्यूटी नहीं, ये बाहर प्रैक्टिस करते हैं सर, चेक करेंगे 48 घंटे क्यों नहीं देते सर। ये 12 बजे आते हैं ड्यूटी सर, 12 बजे आते हैं ड्यूटी और बुधवार को 12 बजे भागते हैं सर, ये 48 पूरी नहीं, उनको लेडीजों को वहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, हम खुदा के हाथ इस पर ही छोड़ देते हैं। इसलिए आधे घंटे के बाद वो डॉक्टर को बोला है कि इसको इंजेक्शन कर, टेस्ट डोज तो होता है फिर एक मतलब 10 मिनट से, चाहे कोई मतलब डिपार्टमेंट हो वही तो ट्रीटमेंट ठीक होनी चाहिए, चाहे एक्स डिपार्टमेंट भी हो, ब्लॉक भी हो या चाहे कुछ भी हो सर। और हमारी गांव में एक भी प्रॉब्लम है सर, वो भी है यहाँ पे मेडल स्कूल हैदपुरा में, वहाँ 2 टीचर्स है सर, तो आप खुद ही देखिए सर वो 2 टीचर क्या पढ़ रहे हैं उन लोगों को सर, क्योंकि जनता हमारे लिए, हम जनता आपके लिए है सर। जो बैक टू विलेज में वो ऑफिसर हजरात थे उन्होंने अपने हाथों से उसकी इनॉग्रेशन की है, आज तक न कहीं पे वो पैसे हैं न कुछ है। हम एक बार जो आपसे पहले सर डीसी साहब थे उसके पास गए, उसने बोला ये जो किया इसका मसला आपने बताया कि ग्राम सभा में जब नोटिस निकल दिया ग्राम सभा के लिए, लेकिन लोगों में इतनी इंटरेस्ट पहले नहीं रही, क्योंकि ग्राम सभा में आकर जो प्रवाह देते थे उसमें कुछ कटौती होती थी, उससे लोगों में कुछ दूरियां हुई,
لیکن اب 1 اپریل سے مشنری واتن تک گا ڈاکٹر واتن تک کہیں اپریٹ